पति पत्नी का रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार है, जिसमें तकरार है, एक ऐसा रिश्ता जो ताउम्र साथ चलता है। लेकिन क्या हो अगर एक छोटी सी बात और पति कातिल बन जाए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशु श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के गोंडा की, एक ऐसे परिवार की जिसके बारे में सुनकर ही आपकी रूह कांप जाएगी। यहां एक पति पत्नी आराम से अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन एक दिन पत्नी के खाने में पति को कुछ दिक्कत होती है, जिसके बाद वो गुस्सा के अपने दफ्तर भी चला जाता है। और जब वो लौट कर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी सो रही है। एक तो पति सुबह से ही भन्नाया हुआ था, ऐसे में जब वो पत्नी को सोता हुआ देखता है तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो कुछ ऐसा कांड कर देता है जिससे पूरा का पूरा प्रदेश दहल जाता है। जरा सोच कर देखिए कि सिर्फ खाने की कमी और एक पति कातिल बन जाता है। क्या है पूरा मामला, एक बार आपको विस्तार से समझा देते हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा के एटिया थोक थाना के अंतर्गत आने वाले धर्मई गांव में हड़तालिका तीज के दिन ई रिक्शा चलाने वाले अलीमुद्दीन अपनी बीवी 45 साल की बेगम के साथ खेत में बने मकान पर रहते थे। दोपहर में जब वो रिक्शा चलाकर वापस आया तो उसने गांव और पुलिस को बताया और कहा कि मेरी पत्नी की लाश घर में पड़ी है। हत्या की सूचना पर हड़कंप मच गया। स्थानीय पुलिस के साथ सीओ सदर भी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। अलीमुद्दीन का बयान पुलिस को संदिग्ध लग रहा था और गहरी पूछताछ के बाद पुलिस ने अलीमुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई कि खाना बनाने के विवाद में पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या की थी, जिसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। पुलिस की तरफ से यह भी बताया गया कि पति पत्नी में आपस में अनबन रहती थी, लेकिन क्या ये अनबन इतनी बड़ी थी जो किसी की जान से बड़ी हो? क्या खाने में कमी इतनी बड़ी कमी हो सकती है कि किसी की जान ही ले ली जाए? इस घटना के बाद कई सवाल भी खड़े होते हैं, वो सवाल भी हम आपसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले पुलिस क्या कुछ कह रही है वो भी सुन लीजिए आप। दिनांक 5 सितंबर 2024 को थाना एटिया तो क्षेत्र के क्षेत्रांतर्गत ग्राम धर्मे में एक महिला परवीन बेगम पत्नी अलाउद्दीन की हत्या हुई थी और इस पर क्षेत्र थाना एटिया तो क्षेत्रांतर्गत निवासी व्यक्ति ने सूचना दी थी कि इस महिला की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस एवं उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और सौ के पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम में तो भिजवाया गया। साथ ही डॉग स्क्वाड एवं फील्ड यूनिट टीम को बुलाया जाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करवाई गई। इसके उपरांत थाना एटिया तोप पर सुसंगत धारा में भी पंजीकृत किया गया और घटना के शीघ्र एवं सफल अनावरण हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस टीम का गठन किया गया। इसी क्रम में आज दिनांक 8 सितंबर को स्थानीय पुलिस एसओजी टीम एवं सर्विलांस टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए हत्या आरोपी मुख्य अभियुक्त अलाउद्दीन उर्फ अलाउ पुत्र अयूब को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशादेही से आला कत्ल चाकू एवं खून आलूदा कपड़े बरामद किए गए हैं। पूछताछ में हत्या अभियुक्त ने बताया कि मृतका एवं हत्या अभियुक्त दोनों पति पत्नी हैं और दोनों के मध्य पिछले काफ़ी समय से पारिवारिक कलह चलती आ रही थी और घटना के दिन 5 सितंबर को भी मृतका एवं हत्या अभियुक्त के मध्य खाना बनाने की बात को लेकर वाद विवाद हुआ था। इसके बाद हत्या अभियुक्त काम पर चला गया और दोपहर में फिर वापस आया। दोपहर में जब 1 बजे घर पर वापस आया तब इसने देखा कि इसकी पत्नी सो रही है, तो इस बात से ये पहले से गुस्सा आया था और अपने किचन में रखी चाकू उठाकर पत्नी की गला रेतकर इसने हत्या कर दी। जरा सोच कर देखिए कि खाने की कमी और पत्नी को सोता देखकर पति को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी ही पत्नी की जिंदगी खत्म कर दी। वो पत्नी जिसके साथ वो सालों से जीता चला आ रहा था, वो पत्नी जिसके साथ उसने जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन एक छोटा सा विवाद और पति कातिल बन गया। इस घटना के बाद कई सवाल भी खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर कब तक लोगों का गुस्सा किसी दूसरे की मौत का कारण बनता रहेगा। और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर कब तक उत्तर प्रदेश में योगी राज, जिसमें तमाम लॉ एंड ऑर्डर के दावे किए जाते हैं, दिन दहाड़े लोग ऐसे ही वारदातों को बिना किसी डर के अंजाम देते रहेंगे। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।